हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? और आज है खिचड़ी। खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हम दोनों बच्चों हाँ कर और उन्हें को कपड़ा सब धोने जा रहे हैं, क्योंकि सोचे कि पहले उन लोगों को नहवा देंगे तो कपड़ा रहेगा, तब धोकर तब हम नहाएंगे। क्योंकि नहा लेते हैं, कपड़ा धोते हैं तो साड़ी उड़ी सब रहता है, भींग जाता है। इसलिए आज खिचड़ी के दिन बिना नहाए खाया नहीं जाता है। तब ये सुबह का 7 बज रहा है। 7 बजे हम दोनों बच्चों को नहवा दिए हैं। नहवा कर अब कह देंगे तो कि चावल और छूकर खाना है। तब तक ये गर्म पानी कर लिए। उनका कपड़ा है जो 2-3 दिन का पहने हुए थे तो गंदा बहुत ज़्यादा हो गया। गांव में जानते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा करते हैं, क्योंकि बाहर उन लोगों को घूमना रहता है। इसीलिए इधर देखिए दोनों नहा कर इसे चावल छू रहे हैं। इसमें आधी है मूंग दाल भी रहता है, तो हम नहीं लाए क्योंकि भींग गए थे तो ठंडी लग रही थी। कहीं चावल ही आप लोग छू लीजिए। इधर देखिए 10 मिनट तक पानी में भींग कर सर्फ में रख दिए हैं। गर्म पानी में फूल गया है तो अब ब्रश और साबुन लगा कर धो लेंगे, तब नहाएंगे। आज है शनिवार तो बाल उल नहीं धोए, कल में बाल धो लेंगे। कपड़ा बहुत ज़्यादा था, सब चादर उधर से। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम नहा धो लिए हैं। आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली को। और जा रहे हैं आप चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे जब तब। आज दही चूड़ा हमारे यहाँ खाया जाता है। आप लोग किस दिन मकर संक्रांति मना रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग तो इसे गाँव में खिचड़ी बोलते हैं कि आज खिचड़ी है। और खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज चलते हैं नहा धोकर। कपड़ा बहुत सारे धोए हैं, ठंडी लग रही है, मगर आज मौसम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह भगवान दर्शन अपना दे दिए और मौसम बहुत तेज आज लग रहा है। कड़ाके वाली धूप होने वाली है। चलते छत पर आपसे मिलते हैं, कपड़ा लेकर पसार देते हैं तब मिलेंगे। आज खाना नहीं बनाना है, आज हम लोगों का छुट्टी है क्योंकि दही चूड़ा खाना है। तो आज के लिए एक औरतों के लिए खाना बनाने के लिए ड्यूटी छुट्टी है, मगर बर्तन वर्तन धोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि खाएंगे तो बर्तन तो धोना पड़ेगा ही। खाना नहीं बनाएंगे, शाम को खिचड़ी सब्जी बनाएंगे। चलिए आप छत पर चलते हैं, मिल आप सभी को भी लेकर चलते हैं। हम छत पर आ गए हैं तो देखें बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। और देखिए कितनी पतंग, सब बहुत ज़्यादा पतंग उड़ा रहे थे, मगर इतना कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो आसपास की थी पतंगे वही दिखाई। आज खिचड़ी के दिन है तो पतंग उड़ाना ही चाहिए। मेरा बाबू तो 2 फाड़ दिया है, 3रा पतंग लाया है, इतना बहुत शरारती है। देखिए पतंग लेकर आप कह रहे हैं कि अच्छे से उड़ाइए। इधर हम लेकर बैठ गए हैं अपने लिए दूध और गुड़ है और चूड़ा है खाने के लिए। सब दही चूड़ा खाएं, हम दूध और चूड़ा और गुड़ खाएंगे। इधर रजाई को धूप में डाल दिए हैं और देखिए कितनी कड़ाके वाली आज हमारे यहाँ धूप हुआ है, ठंडी भी नहीं लग रही है। इधर हम खा रहे हैं, आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए दही चूड़ा गुड़ खाने, क्योंकि खिचड़ी में सबको खिलाना चाहिए, दान भी करना चाहिए। ये शाम हो गई है तो नेल पेंट नहीं लगाए थे, नहीं आलता तो आलता तो नहीं लगाएं, सोचे कि नेल पेंट ही लगा लें। वही अपने नाखून पॉलिश, पैर पर नेल पेंट लगा रहे हैं, हाथ में लगाएंगे तब जाएंगे खाना बनाने। अभी रजाई है जो उसका कवर उसमें डालना है, तो चलते हैं निधि को लेकर डालेंगे, क्योंकि अकेले हमसे तो पड़ता ही नहीं है। तो ये नेल पेंट पहले लगा कर, क्योंकि त्यौहार में नेल पेंट आलता हाथों में सब महावर वहार लगाना चाहिए, शुभ होता है। तो देखिए पैर में लग गया है तो हाथ में जा रहे हैं लगाने। और देखिए पूरा 2 नींव था, वे रखा रखा एक सूख गया है, एक में है, क्योंकि लगाते नहीं, ठंडियों में लगाने का मन नहीं करता है, गर्मियों में रहता है तो लगा लेते हैं, इसीलिए रखा रखा सब सूख गया है। इधर देखिए रजाई में कवर डाल कर रखती हैं, अब इसके पापा आएंगे तो नीचे ले जाएंगे। इधर देखिए हमारे यहाँ खिचड़ी के दिन खाया जाता है चने का साग, तो ये निधि लाइए खेत से चने का साग और थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं तो सब्जी में डाल देंगे तो सबका हो जाएगा साग, नाम हो जाएगा कि खाए हैं, क्योंकि चने का साग खिचड़ी के दिन आज खाया जाता है। उसी लिए मेरा तो
भूल गए थे, मगर शाम हुई तो सोची कि आज तो चना का साग खाया जाता है, तो वही जाए निधि को बोले तो वही खेत से तुरंत लाई है चने के साग। इधर देखिए बच्चे अपने छत पर सब मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आज हमारा गांव भी देख लीजिए आप, हमारा गांव कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है, हम लोग मेरा सब्जी बन रहा है, सब्जी भी सब काट लिए हैं और अभी अंधेरा नहीं हुआ मगर 5 बजने वाला है। 10 आज खिचड़ी है तो हम सोचे कि जल्दी जल्दी खिचड़ी सब्जी बना दे, रोटी बनाएंगे खिचड़ी बनाएंगे। मेरा सब्जी बन रहा है और ये देखिए ये उड़द का दाल ख़त्म हो गया था, तो ये साबुत है, तो इसे चलते हैं सील पर, इसे पीसते हैं पहले सील पर पीस कर। ये खिचड़ी में डालने के लिए सब काट उट कर रखती हैं। और जब शाम होता है तो मेरे इतना चिड़ियों का आवाज़ सुनाई देता है गांव में कि क्या बताएं, चिड़ियों एकदम पूरा। यह है मूंग दाल, तो इसे चलते हैं सिलवट्टे पर, रगड़ देंगे तो दो टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो टुकड़ा नहीं रहेगा तो खिचड़ी में टाइम लगेगा, क्योंकि हम तसली में बनाने वाले हैं तो इसीलिए, नहीं तो कुकर में बना दे तो इस उसी में गल जाता। तो इधर देखिए हमारी सब्जी हो गई है, अब जा रहे हैं सब्जी को उतार कर और खिचड़ी बनाने, और चला कर खिचड़ी बनाएंगे, कुकर में नहीं बनाएंगे। खिचड़ी सब्जी रोटी बनाएंगे, पूरा तो क्लिप नहीं लिए क्योंकि जानते हैं कोई शूट करने वाला रहता है तो अच्छा से हो जाता है, तो बच्चे सब पढ़ने गए थे तो हम सोचे कि जलेबी बना कर खाना तब आपसे मिलेंगे। वही देखिए हमारी खिचड़ी बन गई है, और एक तसली भदेली क्या बोलते हैं आप, हम लोग तो तसली बोलते हैं, उसमें आयर डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे, लहसुन मिर्च और काटे हैं गोभी, उसी का फ्राई करेंगे। देखिए सब डाल दिए हैं, गोभी को फ्राई करेंगे, मटर, आज गोभी मटर वाली खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ मसालेदार। इसमें अदरक डाल भी डालते हैं तो हम नहीं डाले हैं अदरक, क्योंकि हमारे यहाँ अदरक किसी को पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स आज मकर संक्रांति है और हम लोग खिचड़ी सब्जी रोटी बनाकर खा लिए। आप लोग के यहाँ कब मकर संक्रांति मनाए हैं त्यौहार, 15 या 14 को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।